इस सीन में सूर्यवंशी भैया के सर के बाल ब्लॉन्ड हैं और छाती के काले। वेट, अबे ये कौन सी सूर्यवंशी डाउनलोड कर दी तूने घोचू? इस सीन में ये जगह एकदम खाली पड़ी हुई है, मतलब दूर दूर तक कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं है। पर जैसे सूर्यवंशी भैया बाहर निकलते हैं तो बाहर तो गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। ये लोग रियाज को पकड़ने गए हैं तो ये लड़की रियाज के साथ सेल्फी लेकर सूर्यवंशी को दिखा रही है और भाई इस सेल्फी को कम्पेयर कर रहे हैं रियाज की उस पिक्चर से जो 1999 के बाद ली थी। सीरियसली ब्रो, 1999 में ली हुई पिक्चर आज के आईफोन की सेल्फी से ज्यादा क्लियर है। और अब सूर्यवंशी भैया, ओह वेट, इस लड़की को लगता है ज्यादा शौक है कैमरा के आगे रहने का, क्योंकि लिटरली जहां कैमरा जाता है वहां पहले बैठी होती है। अब यहाँ रॉकेट आकर गिरा है तो फिर यहाँ भी आगे कैमरे के आगे। अरे बहन, सूर्यवंशी रियाज को पकड़ने के लिए छतों के ऊपर से बड़ी बड़ी जंपे मारते जा रहे हैं, पर फिर भी इनके सनग्लासेस इतनों से भी नहीं ली। यहाँ तक के इतने ऊपर से इन्होंने जंप मार दी और एकदम मुंह के बल नीचे गिरे हैं, पर फिर भी नहीं उतरी। अबे लिटरली रियाज मुक्के मार रहा है फेस पर, बट अभी भी नहीं उतरी। और जैसे ये रोल हो रहे हैं तो अभी फेस पर है पर एकदम से गायब हो गई। और अभी कहाँ उतर नहीं रही थी और कहाँ एक सेकंड में गायब हो गई। और मजे की बात की नीचे कहीं गिरी नजर भी नहीं आई। रियाज एक गाड़ी लेकर इतनी तेजी से भाग जाता है और सूर्यवंशी भैया पैदल ही भाग कर उससे भी पहले उससे ही आगे पहुंच जाते हैं। भाई सूर्यवंशी भैया यहाँ से गोली चलाते हैं, पर गाड़ी के टायर पर गोली नहीं बल्कि इतना बड़ा कील लग रहा है जाकर। नहीं नहीं कील ही है ना। इसी में सूर्य के आगे टेररिस्ट आ जाते हैं तो ये कहते हैं, हाँ गाड़ी पीछे ही जा रही है पर गियर ये आगे वाला लगाते हैं। फिर गोलियां चला रहे हैं तो इसके बच्चे को गोली लग जाती है। तो ये डॉक्टर कहता है, Luckily the bullet just brushed past him. छूकर? अरे भाई तू सी भी नहीं लगी थी, क्योंकि गोली चलने के बाद भी ये छोटू बड़ा चिल मार कर बैठा हुआ था। इस सीन में रियाज को छुड़ाने ये बाइक वाले आते हैं तो ये पुलिस वाला बस यही कर ही जा रहा है। दीवार पर बॉम्ब लगा दिया तो अभी भी यही कर ही जा रहा है। अरे भाई देख मेरा तो गोली मारना। और बॉम्ब इतनी दूर लगाया है और ये पुलिस वाला यहाँ खड़ा हुआ है, पर फिर भी दीवार वही वाली फटती है जहाँ ये पुलिस वाला था। और मजे की बात, रियाज भी आराम से निकल गया जबकि पहले इतने ज्यादा पुलिस वाले खड़े हुए थे इसके पीछे। इस सीन में पीछे जितने भी लोग हैं सबके हाथ खाली हैं, पर जैसे एकदम बारिश होती है तो सबके हाथों में एकदम छाते आ जाते हैं, मतलब अम्ब्रेला आ जाते हैं। जादू। और ये बारिश देखकर इन दोनों को अपना सीन याद आ जाता है जहाँ इतनी तेज बिजली चमक रही है पर वो सिर्फ इनके फेस पर ही पड़ रही है, क्योंकि ऊपर आसमान पर तो इतनी सी चमकती कोई नजर ही नहीं आ रही। खैर बारिश जब होती है तो भाई लिटरली पीछे चिंगारियां गिर रही हैं, मतलब कभी भी आग लग सकती है, करंट लग सकता है। बट देयर लाइक मैं क्या करूं, मतलब आग लगे बस्ती में अपन लोग अपनी मस्ती में। क्या सूर्यवंशी भैया इस हेलीकॉप्टर लटके हुए आ रहे हैं तो ऐसे ही इस 80 किलो के बंदे को थैले में दही की तरह उठा लिया। गजब बेइज्जती है। नहीं मतलब भाई तू देख भी रहा है कि पीछे पाजी आ रहे हैं तो आजू बाजू टर्न कर लेना। पर नहीं, चलो पकड़ ही लिया है तो बाइक को ही ना छोड़ तू। पर नहीं, और ऐसे ही इस 80 किलो के बंदे की इतनी सी भी नहीं फटी शर्ट। कौन सी क्वालिटी की शर्ट पहनी हुई है, एक्सप्लेन अस प्लीज। इस सीन में कादिर उस्मानी को लोग पकड़ के लाए हैं मुंह खुलवाने के लिए, तो उसकी फैमिली को मारने की एक्टिंग कर रहे हैं सूर्यवंशी भैया। वेट वेट व्हाट? अच्छा ये उस्मानी को आवाज नहीं गई। अरे दोबारा चिल्ला मेरी माँ। पर अब गई है। फिर इतना ऊंचा ये कहती है, तब नहीं सुना उस्मानी ने। पर जब अब्बू कहती है तब एकदम तड़पना शुरू हो गए। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये लड़की अनमैरिड है इस मूवी में, मतलब शादी वादी नहीं हुई। और काम देखो, सिम्बा भैया की जब एंट्री है तो ये जीप के ऊपर बैठ कर आ रहे हैं और जीप इतना उछल उछल के आ रही है पर फिर भी नीचे नहीं गिर रही है, मतलब फोबी को लगी हुई है क्या नीचे। पर अब खुद उतरे हैं। और जब सिम्बा की इस लंबू से लड़ाई हो रही है तो पीछे इन मरे हुए लोगों को देखकर आप लोग कह रहे होंगे कि भाई लगता है इन्हें गोलियां मारी होंगी जो इतू साहब नहीं हिल रहे। पर ना ना ना, लिटरली सिम्बा ने किसी को मुक्का मार दिया, किसी को एक किक मार दी, किसी को ऐसे उठा कर गिरा दिया और किसी को तो ऐसे ही साइड पर कर दिया। और उसके बाद गुंडा लोग उठे ही नहीं। अरे क्या गुंडा लोग बनोगे रे तुमने बाबा। और सिम्बा भैया जब लड़कर बाहर आते हैं तो बाहर तो इतनी ज्यादा पुलिस खड़ी हुई है, नहीं मतलब फिर भी अकेले अंदर लड़ रहे थे। अरे भाई अंदर नहीं आना था तो इतनी ज्यादा पुलिस आई ही क्यों रे बाबा। और फिर सिम्बा कहता है, ब्लास्ट एक के बाद एक हर 5 मिनट में होंगे। पर ये हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर।
उन गाड़ियों को फेंकते हैं तो तब तो सारी गाड़ियाँ एक ही टाइम पर फट रही हैं, जबकि 5-5 मिनट का डिफरेंस था। इसी में बंदा बटन दबाता है तो रिया पर लगा RDX का 2 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है और फिर ये लोग 4-5 मिनट तक लड़ते रहते हैं, पर बॉम्ब की टाइमिंग अभी भी 40 सेकंड ही कम हुई है। फिर सूर्या और रिया 1-2 मिनट तक बातें करने लग गए तो सूर्या वापस नीचे जाता तो सिर्फ 2 सेकंड ही कम हुए हैं। अब ये बॉम्ब भी क्या इनकी बातें सुनने लग जाता है? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चिंगम भैया इस बॉम्ब को इस गाड़ी के नीचे फेंक देते हैं, पर जब कैमरा सामने से दिखाता तो बॉम्ब तो गाड़ी के नीचे से गायब हो जाता है। हाँ, गाड़ी की स्टील फटती है पर नीचे बॉम्ब नहीं पड़ा हुआ। दोबारा जादू। यहाँ पीछे इनके इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है पर ये सब आगे गोलियां चलाई जा रहे हैं। अरे भाई, पीछे कोई टेररिस्ट भी तो हो सकता था ना। ये तीनों बाहर आकर खुले में गोलियां मार रहे हैं पर फिर भी इन्हें कोई दूसरी भी गोली नहीं मार रहा, जबकि ऊपर टेररिस्ट पार्टी खड़ी हुई है और ये तीनों देख भी नहीं रहे ऊपर। ऊपर से लगता है सिम्बा भैया का टाइम अभी तक नहीं आया, क्योंकि जितनी बार कैमरा घूम कर आता है इनकी घड़ी में टाइम बदली जा रहा है। पहले ये था, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। इस टेरलूट को उल्टे हाथ पर गोली मारी है और इतनी बुरी शक्ल भी बनाई है इसने, पर फिर भी उसी हाथ से उंगली करके ही मारा है ये। और जो गोली मारी थी ना उसका इसके हाथ से निशान भी गायब हो गया यार। और यार इन चिरकुटों के तो बिल्कुल समझ नहीं आई यार कि पीछे पूरी पुलिस की फौज खड़ी है पर ये लोग पीछे देख ही नहीं रहे। बोला भाई, टेररिस्ट हो तो हर जगह नजर रखो ना। पर नहीं, मरना बनता ही था इनका। और यार लिटरली इन चिरकुटों के पास इतनी बड़ी बड़ी गन्ने हैं पर फिर भी सूर्यवंशी भैया के एकदम पास आ जाते हैं मारने। अबे भाई, गन्ने हैं, चाकू थोड़ी ना है, दूर से भी तो मार सकते हो ना बाबा। इस सीन में सिम्बा भैया भी लाइक पिछुम पिछुम पिछुम, एक भी निशाना मिस नहीं हुआ। पर नेक्स्ट सीन में लिटरली एक बंदा चिल मारता हुआ चलता हुआ जा रहा है सामने से और ये भी सीधा चलते हुए आ रहे हैं पर फिर भी इतनी सी भी गोली नहीं लगी। सूर्या ने स्टोन पकड़ के यहाँ मारा है पर लगा इस चिरकुट को है भाई। और फिर ये दोनों चिरकुट इन्हें मारने आते हैं तो इन्होंने इन्हें हवा में मुक्के मार के गिरा दिया। पिछू पिछू, चलो वो तो सही है पर इस बेचारे के साथ इतना जुल्म करने की क्या जरूरत थी भाई। आई मीन भाई, इस गरीब की आगे पहले से ही फटी हुई है बगल से शर्ट, पर अब कुछ और ही फाड़ दिया। आई मीन आगे से भी शर्ट। इस बंदे को सिम्बा अपनी मूवी में ऑलरेडी मार चुका है पर ये इस मूवी में पुलिस वाला बनकर आ गया, जबकि इस मूवी में सिम्बा भी है। आई मीन इन्होंने सोचा होगा कि कौन इतना गौर करेगा भाई, पर फिल्म इज यूट्यूब का CID। कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। एट द एंड इस 7 फुट बंदे को सूर्या भैया ने ऐसे उठाकर फेंका जैसे प्लास्टिक के बैग में दही हो। और यार इतनी लंबी फाइट लड़ने के बाद भी इन तीनों के जेबों में से ये ग्लासेस नहीं गिरी। और मजे की बात तो ये कि सिंगम भैया ने अपनी ग्लासेस स्पेशल बाहर रखी थी, फिर अंदर गए थे लड़ने, पर अब उनकी ग्लासेस उनकी पॉकेट में से निकल रही है। और ये था आखिरी जादू। खैर, आजकल बस इतना ही। इस वीडियो को मार्वल और DC फैंस के साथ शेयर जरूर करना यार, क्योंकि नॉक नॉक अवेंजर्स और जस्टिस लीग का बाप आया। Tun 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 t